हेलो एवरीवन, मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अवसर। अवसर यानी कि हमारे जीवन में आने वाले मौके, जिनको हम पहचान कर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। देखिए, अवसर जो है हर किसी की लाइफ में आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं, कुछ लोग उसको नहीं पहचान पाते हैं, और कुछ अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं कि भाई किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। लेकिन अवसर क्या है? अवसर जो है हमारे जीवन में आने वाला एक ऐसा मौका होता है जो हमें अपनी सक्सेस की तरफ ले जाता है। अवसर के द्वारा ही हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जो छात्र लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, उनके पास या फिर जो हम कहीं पे भी प्लेस पे काम करते हैं, तो हमारे पास भी ऐसे कई अवसर आते हैं कि हमें प्रमोशन मिल जाए। छात्र जो हैं उनके लिए भी कई अवसर आते हैं कि वो इस फील्ड में काम करें तो उनको अच्छा हो। देखिए, हमारी लाइफ में कई तरीके से ऐसा होता है, अवसर जो आते हैं हमारी लाइफ में उनको हमें पहचानना होता है, और जो लोग उसको पहचान लेते हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि अवसर हमारे जीवन में किस तरीके से आ सकते हैं और किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अवसर हमारे रूप में किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी के जरिए भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो इस स्टोरी के जरिए आप इसको समझने की कोशिश करिए, और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये स्टोरी ऐसे है, एक व्यक्ति था और वो गांव से शहर आया था पैसे कमाने के लिए। बहुत दिन वो शहर में इधर-उधर भटका, उसे कोई भी काम नहीं मिला। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और फिर उसने क्या किया, एक दिन वो बैठा हुआ था एक जगह, काफ़ी इधर उधर जगह खाली थी, कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पे वो बैठा सोच रहा था। काफ़ी परेशान था कि वो क्या करे, क्योंकि वो तो शहर जो आया था पैसे कमाने के लिए आया था, और वो वहाँ पर आकर कुछ भी नहीं कर पाया था, उसे काम भी नहीं मिल पाया था। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसके सामने जो है कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, और उसी कूड़े में एक मरा हुआ चूहा भी पड़ा था। अब वो थोड़ा सा दूर हटके वहां पे बैठ गया। कुछ ही देर में एक सज्जन पुरुष वहां से निकल के जा रहे थे, उन्होंने उसे जो है वहां बहुत उसको परेशान देखा, और उसको उसके पास बैठे और उससे बोले, भाई क्या हुआ? तो उसने उसे बताया उन्हें कि मैं ऐसे ऐसे शहर आया था, और मैंने इतने कोशिश की, मुझे कहीं पे भी काम नहीं मिला, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ यहाँ। तो वो इस तरीके से बहुत परेशान था। तो उन सज्जन पुरुष ने उससे एक बात कही कि हिम्मत मत हारो, कुछ सोचो, अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि अब तुम क्या कर सकते हो। तो उसने कहा, मैं ऐसे में क्या करूंगा जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, और मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है, कहीं कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे में क्या करूंगा। तो वो सज्जन पुरुष फिर मुस्कुराए और बोले, नहीं सोचो, हो सकता है कोई मौका तुम्हें ऐसा मिल जाए जिससे कि तुम कुछ कर सकते हो। तो उसने कहा कि क्या ऐसा क्या मौका हो सकता है। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने विचार से सोचो, जिसको मौका ढूंढना होता है तो वो तो इस मरे हुए चूहे में भी जो है मौका ढूंढ लेता है। ये कह के वो सज्जन पुरुष चले गए। अब जब वो चले गए तो वो उस पुरुष ने उस मरे हुए चूहे की तरफ देखा और उसको बड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा, कैसे पागल इंसान थे, इस मरे हुए चूहे में भी कोई मौका देख सकता है क्या? और वो ये सोच के चल दिया वहां से उठकर। फिर क्या हुआ, फिर वो आगे थोड़ी देर आगे जाता रहा, थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक काफी धनी सेठ थे और वो झाड़ियों के पीछे किसी को पुचकार पुचकार के बुला रहे थे। तो और वहां पे आसपास में काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो उसने पूछा कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं उस भीड़ में। तो उसने जो है वहां पे किसी ने बताया उसे कि ये जो सेठ हैं काफी धनी हैं, और ये अपनी गाड़ी से जा रहे थे, और इनको बिल्ली पालने का बहुत शौक है। तो इनकी जो सबसे प्यारी बिल्ली है वो इनकी गोद में बैठी हुई थी, वो कूद कर इस झाड़ियों में चली गई है। अब ये उस बिल्ली को बुला रहे हैं, अब वो आ नहीं रही है। तो वो कहता है, अच्छा। फिर वो थोड़ी देर सोचता है और उसके एकदम फिर दिमाग में घंटी बजती है, आइडिया आ जाता है उसके दिमाग में। वो तुरंत जो है उस सेठ के पास जाता है और उससे कहता है कि सेठ जी, मैं आपकी बिल्ली को निकाल सकता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि कैसे निकाल दो। उन्होंने कहा, नहीं, अगर मैं आपकी बिल्ली को बाहर निकाल दूंगा, आपको पकड़ के दे दूंगा, तो आपको मुझे एक सोने की अशर्फी देनी होगी। तो सेठ जी ने कहा कि एक बिल्ली पकड़ने के लिए मैं तुम्हें सोने की अशर्फी दूंगा? बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिल्ली आप नहीं पकड़ पाए और तब तक कोई कुत्ता वगैरह आ गया और उसने आपकी बिल्ली को देख लिया फिर, तो आप जाने। ये कह के वो दूसरी जगह जाके खड़ा हो गया।
अब सेठ जी को तो उस बिल्ली से बहुत प्यार था। सेठ जी ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद में क्या किया, उसकी बात मान ली। बोले ठीक है, और मैं तुम्हें एक अशर्फी दूंगा, तो मेरी बिल्ली मुझे पकड़कर दे दो। फिर क्या होता है, वो कहता है बस ठीक, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। वो जल्दी से जाता है उस मरे हुए चूहे के पास और उसको धागे में बांध के ले आता है, और लाके वो झाड़ियों के पास यू यू करता है, बिल्ली चूहे को देखे लपक जाती है और फिर वो उसको तुरंत पकड़ लेता है। और उसके बाद उसको सेठ जो है वो एक अशर्फी दे देता है, वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने जो अशर्फी थी उसके साथ अपना छोटा सा कोई काम शुरू किया और उसको फिर बढ़ाते बढ़ाते वो एक दिन बड़ा आदमी बन गया। तो ऐसे इस तरीके के जो अवसर होते हैं हमारी लाइफ में भी, इस तरीके के बहुत से अवसर होते हैं। देखिए, जिनको कुछ करना होता है, जिनको अपनी आगे कुछ बनना होता है, तो अगर उनको अवसर नहीं भी मिलते हैं ना, तो वो किसी न किसी के जरिए, किसी न किसी अपने आइडिया से अवसर को पैदा कर लेते हैं, खुद अवसर, अपना खुद मौका पैदा कर लेते हैं कुछ भी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें अवसर किस तरीके से हम अपने अपने स्तर को पहचान सकते हैं कि ये हमारी लाइफ का मौका है और ये हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि एक जहाज था और उसमें बहुत सारा माल भरा हुआ था, और एक लड़का था वो भाई समुद्र के पास बैठा हुआ था, और उस जहाज में काफी लोग थे और उसमें काफी महंगा महंगा सामान था। किसी भी तरीके से उस जहाज में आग लग गई। अब जब आग लग गई तो लोग वहां से चीखने लगे बचाने के लिए, और वहां जो जहाज का मालिक था वो भी था, वो भी बहुत परेशान था। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं, ये तो मेरा पूरा इतना महंगा जहाज है और इसमें इतना महंगा सामान है, ये तो सब जलकर राख हो जाएगा, वो भी बहुत परेशान था। उस लड़के ने जब देखा कि जहाज में आग लग गई है, वो तुरंत उसके मालिक के पास गया और उसने तुरंत उससे पूछा कि आप ये जहाज अभी बेचना चाहेंगे। तो जहाज वाले ने सोचा कि कैसा पागल लड़का है ये, जहाज में आग लगी हुई है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल स्वाहा हो जाएगा और ये जहाज को खरीद रहा है, और मेरे पास तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसने सोचा कि अब जब कुछ नहीं बचेगा तो ठीक है, ये ले रहा है तो लेने दो, मुझे कुछ पैसे तो मिलेंगे। उसने तुरंत जो है जहाज को बेच दिया कि मैं इतने में बेचूंगा, उसने लड़के ने खरीद लिया। अब उस लड़के ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया और बोला कि भाई इतने पैसे लेके जल्दी से जल्दी आ जाओ। वो तुरंत ही लेकर आता है, तब जहाज में धीरे धीरे आग जो है बढ़ती जा रही होती है, और तुरंत ही वो पेमेंट उसको देता है जहाज वाले को, और अपने दोस्तों के साथ जाके तुरंत उस जहाज में जो माल भरा हुआ था, वो जहाज के पूरे जलने से पहले पहले वो जहाज के माल को बाहर निकाल लेता है। और वो माल इतना ज्यादा होता है कि उससे भी ज्यादा, उससे बहुत ही कम पैसे उसने उसके जहाज को दिए होते हैं, जहाज के पैसे। लेकिन जहाज तो जलना ही था क्योंकि जहाज में आग लग चुकी थी, लेकिन उसने अपनी समझदारी से, उसके दिमाग में जो एकदम से आइडिया आया, उसने उसकी समझदारी की वजह से थोड़ी ही पैसों में उस माल को इतना बचाया, वो माल काफी कीमती था, उसको कमाकर उसे काफी पैसे मिल गए। तो इस तरीके के हमारी लाइफ में बहुत सारे मौके आते हैं, बस हमें अपना दिमाग लगाना है, उसको पहचानना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। आइडिया सबके दिमाग में बहुत आते हैं, लेकिन जो आइडिया आते हैं ना, उनको हमें लागू करना चाहिए, उनको ट्राई करना चाहिए कि क्या मालूम उसमें सक्सेस ही हो जाए। जैसे कि एक लेडी थी और वो एक उनका काफी बड़ा प्लाट था, लेकिन उसमें जो पानी भर जाता है ना, दलदल टाइप का हो जाता है, वैसा था। अब वहां पे वो कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन तभी उनके एक पड़ोसी ने कहा उनसे कि आप इसमें क्या बनवा सकती हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है, इसमें इतनी दलदल है, इतनी खाई है, ये तो सिर्फ मेढक पालने के लायक है और कुछ नहीं है। उन्होंने मजाक में उनका मजाक बनाया, लेकिन वो तो भाई उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसके मजाक को सीरियस ले लिया। उन्होंने कहा ये भी आइडिया बुरा नहीं है, उन्होंने जो है उसमें मेढक पालने का ही काम कर लिया। और जब उनका वो मेढक पालने का काम ज्यादा चल गया, तो उन्होंने आसपास के प्लाट भी ले लिए, और फिर वो काफी धीरे धीरे अमीर बन गई। तो इस तरीके से कुछ लोग हमें मजाक मजाक में भी हमारे ऐसे आइडिया दे देते हैं, अगर कुछ सही भी बोल जाते हैं, बहुत से लोग हमारे मजाक मजाक में भी सही बोल जाते हैं कि भाई ऐसा करा होता तो शायद सही हो गया होता। तो फिर क्या होता है, तो हमें वो अवसर को पहचानना होता है। तो हमें अपनी लाइफ में अवसर को पहचानना है इसी तरीके से, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। देखिए, मौके जो है बार बार नहीं आते हैं। कैसे नहीं आते हैं, जैसे कि अभी जो है छात्र लोग जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में भी आपको जॉब करनी है, तो जॉब की भी एक लिमिट होती है कि आप इस लिमिट तक अपना फॉर्म डाल सकते हैं जॉब के लिए। वो लिमिट जाने की, वो मौके आपको लाइफ बार बार दे जा रही है, आप मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन अपना असफल होते जा रहे हैं और वो मौके भी आपके निकलते जा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसा होता है कि क्या होता है, हमें अगर सीढ़ी चढ़नी है तो हमें पहली तो चढ़नी ही पड़ेगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमेशा छोटे से ही स्टार्ट होता है। कितने भी आपने बड़े बड़े, हमारे भारत में
इतने बड़े बड़े जो भी व्यापारी लोग हैं, जो भी धनी लोग हैं, उनकी कहानी आपने देखी होगी, वो भी एकदम से टॉप पे नहीं गए हैं, उन्होंने भी स्टार्टिंग से ही छोटे से बड़े होते होते गए हैं और आज वो टॉप पर हैं। तो हमें भी वैसा ही बनना है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।